हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। हेलो बच्चों, वी आर स्टडिंग द नेक्स्ट लेसन ऑफ आवर बाल भारती इंग्लिश बुक। द नेम ऑफ द लेसन इज विड्स इन द गार्डन। गार्डन में जो घास उगती है ना, जो किसी भी काम की नहीं होती है, अच्छे पौधे के नीचे आजू बाजू में वो घास उग जाती है, जो अपने पौधों को बड़ा नहीं हो देती है, वो घास को क्या करना चाहिए या फिर उसका और किसी की जिंदगी का किस तरह से मेल यहाँ पर बिठाया गया है, ये जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो हम स्टोरी अभी स्टार्ट करते हैं। Most of the parents like to fulfill the wishes to their children and they feel sorry when they cannot indulge their kids or when they have to scold them. And when even a scolding has no effect, the parents become very very unhappy. Such was the case with Anshuman and his parents. यहाँ पर नॉर्मली जो पेरेंट्स होते हैं उनका वर्णन किया गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, अपने बच्चों की हर एक इच्छा फुलफिल करने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि वो अपने बच्चों की इच्छा पूरी नहीं कर सकते, तो उनको बहुत दुख होता है। वो अपने बच्चों की हर एक चीज उसे प्रोवाइड करना चाहते हैं, और क्या होता है कि इससे बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। तो बच्चे कभी कभी गलत काम करते हैं, सुनते नहीं है, तो पेरेंट्स उसको डांट देते हैं। डांटने के बाद भी पेरेंट्स को खुद को ही बुरा लगता है। और इसी तरह का जो है एक केस यहाँ पर दिया गया है। एक बच्चे का नाम है अंशुमन, जिसके कुछ आदतें बराबर नहीं थी और उसके पेरेंट्स हमेशा उसे समझाते रहते थे, डांटते रहते थे, लेकिन ये अपनी आदतें नहीं छोड़ रहा था। Anshuman's parents had noticed that he was developing some bad habits. Naturally, they began to warn him time and again, but all in vain. Anshuman just wouldn't listen. Anshuman के parents ने notice किया कि जैसे वो उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, वो कुछ bad habits अपने साथ बढ़ाते जा रहा है। उन्होंने naturally उसको हर बार warn किया कि ये तेरी गलत चीज है, गलत तरीके से चल रहा है, लेकिन Anshuman में कोई बदलाव नहीं आया। Anshuman just wouldn't listen. He refused to believe that he was letting those bad habits get a hold over him. और वो ना ऐसे बताता ही नहीं था कि उसके पास कोई ये या फिर उसके वो कोई bad habit अपने साथ रखा है। वो सुनता नहीं था parents की। Gentle words, strict warnings, a scolding now and then. His parents tried everything short of beating him up, and that they would never do. अच्छे से समझा के देखा, strict warning देके देखा, थोड़ा सा चिल्ला के देखा, कभी कभी तो मार के भी देखा, और उसके पेरेंट्स को ये नहीं करना था, नहीं चाहते थे, लेकिन अपने बच्चों को, बच्चे को जो बैड हैबिट्स है वो नहीं फॉलो करना चाहिए, ऐसे उनको लगता था। However unhappy they themselves were, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct their son's way. कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चे की जो गलत आदतें हैं वो निकालने के लिए वो हर एक चीज करते थे। सुन, An opportunity presented itself. Anshuman had gone to stay in his grandfather's farm with his parents. Early one morning, his father took him for a walk around the farm. और एक दिन अचानक से एक अपॉर्चुनिटी आई। क्या हुआ? ये सब लोग उसके अंशुमन के ग्रैंडफादर के फार्म पे जाके रहने लगे थे। तो पिताजी ने सवेरे अंशुमन को उठाया और खुद के साथ वॉक के लिए लेके गए। He was describing the specialties of various plants and vines and bushes and trees to Anshuman. Suddenly he stopped and pointed at a small seedling growing near a plant. और उन्होंने क्या किया, अंशुमन को अपने साथ लिया, खेत में एक चक्कर मारने चले गए हैं बाप और बेटा, और पिताजी उसको हर जगह रुक रुक के हर एक पेड़ के पौधे के बारे में जानकारी देते जा रहे हैं, और एक जगह वो रुक गए और उन्होंने किसी एक चीज को देखा। वहां पर एक छोटा सा सीडलिंग था प्लांट के साइड में। अंशुमन, that's a weed. Can you pull it out? अभी यहाँ पर रुक के पिताजी ने क्या कहा कि अंशुमन, वो घास है, क्या तुम उसे निकाल के फेंक दोगे? अंशुमन had no difficulty in pulling out all the small seedling out. Good, said his father, and they continued with their walk. अंशुमन को कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, बहुत से जो छोटे छोटे घास वहां पर थे, सीडलिंग्स थे, उसे उसने आराम से निकाल के बाजू में फेंक दिया, और पिताजी ने भी कहा कि चलो अच्छी बात है, गुड, चलो हम चलते हैं आगे, और वो दोनों ने कंटिन्यू किया वॉकिंग। आफ्टर अ व्हाइल दे कम अपॉन द सेम वीड, बट देयर इज हैड ग्रोन स्लाइटली बिगर। अंशुमन्स फादर टोल्ड हिम टू पुल आउट दिस प्लांट टू। थोड़ा सामने जाने के बाद वही उसी तरीके का एक प्लांट, लेकिन थोड़ा सा बड़ा वहां पर था, तो अंशुमन के फादर ने यहां पर भी उसे कहा कि उसे निकाल दे।
He told him to uproot the weed carefully, making sure that no trace of the root was left in the soil. और इतना ही नहीं, सिर्फ पुल करके निकालना नहीं है, तो इस तरह से पुल करके निकालना है कि उसकी जो रूट्स है वो सॉइल में ना रहे, पूरा निकलना चाहिए. Otherwise the weed can grow again, he warned. और आगे पिताजी ने समझाया कि अगर उसके रूट्स नीचे रह गए तो वो फिर से वहां पर उग जाएगा. अंशुमन अप्रूट द प्लांट केयरफुली, ट्विस्टिंग इट एंड पुलिंग इट हार्ड सो दैट ही होल इन कम आउट. और अंशुमन भी वहां पर गया, पिताजी की बात मान रहा था, खींच रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, घुमा रहा था उस प्लांट को बाहर निकालने के लिए, पूरी ताकत लगा रहा था. Then his father drew his attention to the same weed growing at some distance. There it had grown into a big plant with tiny flowers and dark fruit. और थोड़ी देर वो उसके ही आगे पिताजी ने अंशुमन का ध्यान उस पौधे की तरफ कर दिया जिसके वही प्लांट था, सेम वाला, वीड्स वाला, लेकिन ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था, इसपे फ्लावर्स और डार्क कलर के फ्रूट्स भी उग चुके थे. That could be quite dangerous. We mustn't leave it growing there. Take it out, said Anshuman's father. अभी फादर ने उसकी तरफ फिंगर करके क्या कहा कि देखो बेटा ये थोड़ा ज्यादा ही डेंजरियस है, ये थोड़ा बढ़ गया है और इसे हमें यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, तो जाओ और इसे अच्छे से वहां से निकाल के फेंक दो. Anshuman held the plant in his hands and gave it a tug. The weed didn't move at all. He pulled harder and harder, but to no avail. अंशुमन ने वो पेड़ हाथ में पकड़ा और पूरी ताकत लगा के, देखो पिक्चर में दिख रहा है, पूरी ताकत लगा के वो उसे बाहर खींचना चाह रहा है, बहुत ताकत लगा दी लेकिन कुछ भी फायदा नहीं है. आई कांट गेट दिस आउट, एक्सक्लेम्ड अंशुमन, इट हैज गोन टू डीप इनटू द सॉइल. और अंशुमन ने पिताजी से कहा कि मैं इसे नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि ये जमीन में बहुत नीचे तक, गहराई तक पहुंचे वाले है इसके रूट्स. सो देन हिज फादर ब्रॉट सम इम्प्लीमेंट, they dug around the weed and with great effort pull it out. फिर उसके पिताजी ने कुछ हथियार लाए, उन्होंने वो पौधे के इर्द गिर्द छोटा सा खड्डा कर दिया और गड्ढा करने के बाद उन्होंने उसे, दोनों ने मिल के आराम से बाहर निकाल लिया. When they were returning home after the hard work, Anshuman's father mentioned habits are like weeds. अब भी उसके पिताजी ने स्टार्ट कर दिया, जैसे वो वापस आ रहे थे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क दोनों ने भी की थी वो वीड्स निकालने के लिए. अब पिताजी ने कहा कि बेटा सुनो, हमारी जो आदतें होती है ना वो इसी घास की तरह होती है. द लॉन्गर यू अलाउ देम टू ग्रो द हार्डर इट इज अप्रूटिंग देम, इट इज वाइज टू गेट रीड ऑफ देम व्हेन इट इज इजी टू डू सो. और पिताजी ने आगे समझाया कि बेटा ये घास की तरह आदतें होती है, जितने दिन आप ज्यादा उसको रखोगे वो उतनी ही स्ट्रांग होते जाएगी आपके बॉडी में, आपके दिमाग में, और उसको आपको अपने से अलग करना हार्ड हो जाएगा. जब तक वो आपके अंदर कम है तब तक उन हैबिट्स को अपने से दूर कर देना बहुत जरूरी और बहुत ईजी होता है. Anshuman realized the truth in his father's word. Throughout his life, he never forgot that early morning walk on the farm with his father. Anshuman को अब समझ में आया कि उसकी पिताजी कितनी सच्चाई से और कितनी सच्ची बात कर रहे थे. इसके बाद अंशुमन उस सवेरे को, उस वॉक को कभी नहीं भूला और उसने अपने अंदर जो बैड हैबिट से उसे अपरूट कर दिया. इस तरह की ये स्टोरी है. तो बैड हैबिट्स जो है सही में वीड्स की तरह होते हैं, ये बात याद रखना है बच्चों ने. अगर आपके पास आप कोई बैड हैबिट्स अपने साथ लेके रखे हो तो उसे अभी ही दूर कर दो. जितने आप बढ़ोगे, बढ़ते जाओगे, उतनी वो हैबिट्स भी, बैड हैबिट्स भी आपके अंदर बढ़ सकती है, इसीलिए टाइम पे उसको अपने से दूर कर देना है. तो ठीक है, थिंग्स टू डू हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय.